बीकॉम पार्ट थर्ड ईएफएम पेपर फर्स्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग यूनिवर्सिटी कंट्रोल, इस पेपर फर्स्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग यूनिवर्सिटी कंट्रोल के अंदर पढ़ रहे थे अपन मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। और मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग में अभी तक अपन ने जो अध्ययन किया है उसमें पहली विधि तो देखी थी पेबैक पीरियड मेथड, और पेबैक पीरियड मेथड के भी दो थे, जस्ट कैश इनफ्लो एनुअल जो कैश इनफ्लो है वो इक्वल होता है और जब कैश इनफ्लो आपका अनइक्वल होता है। तीसरी विधि पड़ी थी उसमें पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, यानी कि पुनर्भुगतान अवधि के पश्चात जो लाभदायक विधि है वो पड़ी थी। और एक चौथी विधि पड़ी थी अपन ने जो बेल आउट पे बैक पीरियड विधि, जिसमें बेल आउट पुनर्भुगतान की अवधि ज्ञात की जाती है उसमें सालिक विधि का भी ध्यान रखा जाता है। आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पे बैक पीरियड रेसिप्रोकल मेथड पुनर्भुगतान अवधि की व्युत्क्रम विधि, यानी कि आपको इस विधि के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा कि पहले पे बैक पीरियड ज्ञात करना है और उसके बाद आप उसका रेसिप्रोकल में यानी कि 1/ पे बैक पीरियड कर दें इनटू 100 कर दें तो ये आ जाएगा आपका पे बैक रेसिप्रोकल। अगर आपको पे बैक पीरियड ज्ञात नहीं करना है तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी क्या है, एनुअल कैश इनफ्लो अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, यानी कि इस विधि के अनुसार पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपके पास में जो कैश इनफ्लोज है जो नेट कैश इनफ्लो है इसमें भी वो आएंगे जो पिछली वीडियो में आए हैं, यानी कि जो कैश इनफ्लो है वो हम बिफोर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स ज्ञात करते हैं और ये एनुअल है, यानी कि इस विधि के अंदर क्या होता है कि जो कैश इनफ्लो है नेट वो इक्वल होना चाहिए प्रत्येक साल में, और इन्वेस्टमेंट जो आपको प्रोजेक्ट की लागत या मशीन की जो लागत वो दे रखी होगी इसको ये परसेंटेज में आ जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि हम जो टाइम फैक्टर है यानी कि जो समय कारक है उसका ध्यान रखा जाता है और इसको हम समय समायोजित प्रत्यय दर अथवा लाभ प्रदता दर भी कह सकते हैं, यानी कि पे बैक जो रिसिप्रोकल है इसके हिसाब से आपको टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न ज्ञात की जाती है, यानी कि ये जो परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे वो लाभदायकता की दर बताएगा और इसके हिसाब से हम उस परियोजना को स्वीकार करेंगे जिसकी दर सबसे ज्यादा होगी। मान लीजिए किसी की पेबैक पीरियड सपोज करिए किसी परियोजना का पेबैक पीरियड 4 इयर्स है तो 1/4 इंटू 100 ये आ गया 25%। सपोज करिए किसी परियोजना की पेबैक पीरियड 10 इयर्स है तो 1/10 इंटू 100 इसका आ गया 10%। तो हम किसको स्वीकार करेंगे जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी की जो दर है लाभप्रदता की दर है वो अधिक होगी। यहां पर आप देख रहे हैं कि पे बैक पीरियड इसका 4 वर्ष था इसका 10 वर्ष था तो इसकी तो आगे 25% इसके 10%। और यदि हम पे बैक पीरियड मेथड से सिलेक्शन करें तो मशीन ए का मान लीजिए पे बैक पीरियड 4 वर्ष है, मशीन बी का पे बैक पीरियड मान लीजिए 10 इयर्स है तो इसका चुनाव करते हैं पे बैक पीरियड में जिसकी अवधि कम होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी ए मशीन की जो पुनर्भुगतान की अवधि है वो 4 वर्ष है और बी मशीन की 10 वर्ष है तो हम ए मशीन का चुनाव करेंगे। इसी का यदि हम रेसिप्रोकल देखते हैं पे बैक पीरियड का रेसिप्रोकल देखते हैं तो 1/4 × 100 25% आ गया और बी मशीन का 1/10 × 100 10% आ गया। तो इसके हिसाब से कौन सी मशीन सेलेक्ट होगी, ए, और इससे भी ए, यानी कि पे बैक पीरियड से जो डिसीजन है वही डिसीजन आपके पे बैक रेसिप्रोकल मेथड के अंतर्गत भी रहेंगे। केवल इसमें क्या है, इस मेथड में हम जो टाइम फैक्टर है समय कारक है उसका भी ध्यान रखते हैं और जो लाभप्रदता की दर है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसके हिसाब से आप लोगों को पे बैक रेसिप्रोकल ज्ञात करना है। सपोज करिए एनुअल नेट कैश फ्लो आपके 10,000 है, कॉस्ट ऑफ मशीन 50,000 है, तो यदि हम पहले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो पहले हमें क्या चाहिए, पे बैक पीरियड चाहिए। तो पे बैक पीरियड निकालने के लिए आपको जो पिछली वीडियो में बताए थे कि कौन सा इसमें फॉर्मूला होगा, क्योंकि कैश इनफ्लो जो है वो एनुअल है यानी कि प्रत्येक साल 10,000 रुपए प्राप्त होते हैं, तो उसमें एक फॉर्मूला बताया था अपन आपको यदि ध्यान हो तो उसमें था पे बैक पीरियड इक्वल टू सी प्लस आर। सी का मतलब था यहाँ पर जी जो कॉस्ट है मशीन की वो कितनी है 50,000, आर का मतलब एनुअल रिटर्न कितना है आपका जो नेट कैश फ्लो 20,000, तो आपकी पुनर्भुगतान की अवधि आगे 5 इयर्स। इस क्वेश्चन के अंदर पे बैक पीरियड कितना गया 5 इयर्स।
अब आपको पे बैक रेसिप्रोकल क्या करना है, क्या कर सकते हैं, वन अपॉन फाइव इंटू हंड्रेड इस वन टू 20%, ये आपका आ गया पे बैक रेसिप्रोकल जो है टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपकी 20% है, प्रॉफिटेबिलिटी रेट आपकी 20% आ गई। अगर आपको इस फॉर्मूले से ज्ञात करना है, डायरेक्टली है इसमें पे बैक रेट की ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, तो इसमें आप फीड कर दे एनुअल कैश इनकम कितना है 10,000 अपॉन इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000 इंटू 100 तो ये कितना आ गया वही 20%। तो इसमें क्या हुआ कि डायरेक्ट आपने एनुअल कैश इनफ्लो दे रखे हैं, वो लिखती है इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 10,000 बटे 50,000 200 20% आ गया। और इस फॉर्मूले करते हैं तो पे बैक पीरियड, तो पहले आपको पे बैक पीरियड क्या करना पड़ेगा, वो आपको 5 वर्ष आया, 1/5 किया 1/5 × 100 ये भी आपका 20%। तो इस प्रकार से आपने पे बैक पीरियड का रेसिप्रोकल ज्ञात कर लिया। और इस विधि के अनुसार हम उस मशीन का चुनाव करेंगे जिसकी ये जो रेट ऑफ रिटर्न है यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी की जो रेट है वो ज्यादा होगी। और थैंक यू।